अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैस डिजिट 4G आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जिन दोस्तों के पास मोबाइल है और उनको डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म की डिवाइसेस यूज़ करना पड़ती है, जैसे जोंग की या दूसरी डिवाइसेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये मोबाइल रिकमेंड करूँगा। इसको आप एज अ डिवाइस और एज अ मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स ओपन इट नाउ। ये मोबाइल फोन है जैस 6 डिजिट। इसकी बैक साइड पे आप चेक कर सकते हैं, कैमरा भी लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी हैंड फ्रीज है। ये इसका चार्जर है, ये इसकी पोर्ट, चार्जर की पोर्ट है। और उसके साथ ये तमाम इसके साथ कॉपीज हैं कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तमाम डिटेल इसमें दी गई है। ये देखें, उसके बाद दोस्तों अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। जी हाँ, ये सेट जो है वो ऑन हो चुका है। अब ये जो आपको साइड बार पे ये डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही है कि इसमें आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल मैप, ये तमाम इस मोबाइल के अंदर फीचर्स हैं जिसको आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, FM रेडियो है, उसके अलावा फाइल्स हैं और म्यूज़िक, कैमरा। इसमें दोस्तों फ्रंट कैम एंड बैक कैम दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसको बैक कैम को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें, इस बॉक्स की हमने यहाँ पे पिक्चर ली। जी, अब आपको मैं इसका जो फ्रंट कैम है उसको टेस्ट करवाता हूँ कि फ्रंट कैम इसका काम करता है या नहीं। जी दोस्तों, ये फ्रंट कैम के जो ऑप्शन है इसके ऊपर हमने क्लिक किया, तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये आप ये देख सकते हैं इसका जो फ्रंट कैम है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो क्योंकि मेरा कैमरा यहाँ पे है इसलिए उसकी लाइट को ये कैप्चर यहाँ पे कर रहा है।
उसके बाद दोस्तों हम इस जो सेट है इसको हम बैक साइड इसकी ओपन करते हैं। उससे पहले दोस्तों ये आप देख सकते हैं इसकी जो टॉर्च है इसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे इसमें दी गई है, तो इसकी जो टॉर्च है उसको भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को तेज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें ऑप्शन ब्लूटूथ की है, वाईफाई की है, मोबाइल हॉटस्पॉट की है, ठीक है। ये तमाम फीचर्स इस मोबाइल में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों इसको अब हम जो है इसकी बैक साइड ओपन करते हैं और आपको अंदर से व्यू करवाते हैं कि अंदर से ये किस तरह का है, कौन सी बैटरी इसके अंदर यूज़ की गई और कितनी सिम इस मोबाइल में डलती हैं और उसके साथ मेमोरी कार्ड की जगह कहाँ पे है। तो इसको हम ओपन करते हैं। जी ये जो सेट है बैक इस साइड इसकी ओपन हो चुकी है। अभी ऊपर आप देख सकते हैं जो इसकी बैटरी है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 6 डिजिट। इस मोबाइल की बैटरी को अभी हम निकाला, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड पे ये जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये जो जगह बनी हुई है, ये जो फर्स्ट नंबर पे जैकेट नज़र आ रही है इसमें आपने सिम डालनी है और दूसरी की है ऑप्शन भी सिम की है। तो आप दो सिम एट अ टाइम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप इसमें सिम डालेंगे नेट पैकेज लगाने के लिए तो आप इसको सिंपली ऑन करके इसकी जो पर्सनल हॉटस्पॉट है उसको आप ऑन करेंगे और इसको कहीं डिवाइस की तरह इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सिग्नल अच्छे आते हैं, तो उस जगह पे रख के फिर आपने इस सेट को कनेक्ट कर देना है थ्रू पर्सनल हॉटस्पॉट। वाईफाई ऑन करके आपने अपने मोबाइल के साथ लिंक कर लेना है। तो जब आप अपने मोबाइल के साथ इसको लिंक कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको एज अ डिवाइस यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब इस सेट की प्राइस की बात करते हैं कि आपको ये मार्केट से कितने में मिलेगा। तो दोस्तों ये सेट ये आपको मार्केट से 1800 रुपये का मिल जाएगा।